आजकल एक चीज़ तुम लोगों ने जरूर सुनी होगी, बहुत चलती है कि नौकरी नहीं करी तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। और ये शुरुआत पता है कहाँ से हो रही है? ये शुरुआत होती है जो कोचिंग में मास्टर पढ़ा रहे हैं उससे कि पढ़ लो, उन्हें अच्छी बिटिया नहीं मिलेगी। इस चक्कर में होता क्या है, आधे तो पढ़ाई से पिछले कर रहे हैं कि शादी बढ़िया हो जाए। अच्छा, हम तुम लोगों से एक चीज़ पूछना चाहते हैं। हम देखो खिलाफ़ नहीं है भैया शादी के, हम इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये बताओ शादी के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बदल जाएंगी? एक चीज़ है जिसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, वो तुम सबको पता है, उसके बारे में बात नहीं करके, क्योंकि वो जीवन भर नहीं रहता, ठीक है? हम दूसरी चीज़ों की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या है तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हारे चांद सितारे लग जाएंगे तुम्हारी लाइफ में, कि बीवी के आने के बाद दुनिया ही तुम्हारी पलट जाएगी? क्या हो जाएगा ऐसा? देखो थोड़ा सा रियलिटी में आओ, और ये जो जितनी भी थ्योरी बनाई गई है ना कि 25 में शादी, 27 में घर, ये दुनिया भर के इन ढोंग धतूरों से बाहर निकलो वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। एक बार उनसे मिलो जाके जिनकी शादी हो चुकी है, एक बार उनसे मिलो, उनसे पूछो क्या बदला है। हम कह रहे हैं जिसकी सरकारी नौकरी लग गई है उसकी शादी हुई, तुम उससे बात करो जाके कि भैया क्या चेंज आया है। 1% आदमी ऐसा होगा 100 में जो कहेगा हाँ यार कुछ अच्छे चेंजेस है, बाकी सब रो रहे हैं। और इसमें कुछ गलत चीज़ नहीं है, हम सिर्फ जो सामने देख रहे हैं हम वो बता रहे हैं। इसमें मेरी कुछ मनगढ़ंत कहानी नहीं है, मेरी कोई शादी नहीं हुई अभी, ठीक है? तो ये जो 1% का रेशियो है, इस चक्कर में काहे तुम बर्बाद हो रहे हो? हम ये नहीं कह रहे हैं कि शादी नहीं करनी है, शादी करो, कोई पसंद आता है कर लो शादी, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर सिर्फ एक यही गोल है कि अच्छी नौकरी मिल जाए तो कहीं ना कहीं तो शादी हो ही जाएगी, एक अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छा दहेज मिल जाएगा, इस चक्कर में काहे के लिए अपनी पढ़ाई कैसी तैसी कराओ? अगर तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तुम सिर्फ इस वजह से पढ़ रहे हो कि शादी हो जाए, तो बेकार है तुम्हारा। क्योंकि क्या होगा, नौकरी मिल गई, शादी भी हो गई, उसके बाद क्या करोगे? फिर उसके बाद फिर वो तुम्हारी पुरानी वाली चीज़ें वापस आ जाएंगी, आराम में तो कुछ और करना था। तो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करो, और कोशिश ये किया करो कि तुम जितना भी ये जो शादी, जितने भी मास्टर ये ज्ञान देते हैं ना कि अच्छी नौकरी के बाद अच्छी शादी अच्छा दहेज, इनके चक्करों मत पड़ा करो, ये सब बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं बुरी तरीके से। अच्छा शादी ना कर, अगर मान लो शादी ना की तो क्या बिगड़ जाएगा, या फिर क्या अलग हो जाएगा? कुछ भी अलग नहीं हो जाएगा। और एक जो चीज़ है जिसकी वजह से तुम करना चाहते हो वो अवेलेबल है, ठीक है? तो हम कुछ चीज़ें खुल के नहीं बोलते हैं, उसके लिए सॉरी है। तो शादी के बाद कुछ बदलना नहीं है ऐसा, कुछ ऐसा बहुत बड़े ड्रेस्टिक चेंज नहीं हो जाते हैं। हाँ ये हो सकता है कि तुम किसी ऐसे बंदे के साथ हो, बंदी के साथ हो, जहाँ पर चीज़ें बहुत प्यारी चल रही हैं तो चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन अब तुम सोचो कि तुम सिर्फ पढ़ाई का एक माहौल बना रहे हो ताकि तुम्हारी शादी बढ़िया हो जाए, प्रभु राम राम, बहुत दिक्कत में आ जाओगे तुम। हम बार बार बता रहे हैं वाकई में बहुत दिक्कत में आ जाओगे। इसलिए ये सोच के बिल्कुल भी शादी मत करना कि यार तैयारी मत करना कि तुम्हारी शादी बेहतर हो जाए कहीं, कि तुम अच्छी जगह तुम्हारी शादी हो जाए। क्योंकि ये चीज़ें जो अगर तुम करने लगे तो यकीन मानो तुम कहीं ना कहीं जाके, फिर शादी भी हो जाए नौकरी मिल जाए, कहीं ना कहीं जाके तुम पहले स्टेप पर पहुँच जाओगे जहाँ पर तुम्हें रियलाइज़ हुआ था कि यार हमें ये नहीं, नौकरी नहीं करनी, हमें कुछ और करना था, और फिर तुम्हारे पास वापस आने का मौका नहीं रहेगा। इसलिए जब भी तुम करियर की बात करते हो तो उसमें शादी को बीच में मत लाया करो। शादी एक प्रोसेस है, हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसके बीच में करियर ला रहे हो कि मतलब हम करियर इसलिए चुने क्योंकि हमें शादी उससे करनी था, तो हो गया तुम्हारा बंटाधार, गुड़ गोबर कर लोगे सब, और तुम वापस से नंबर एक पे आ जाओगे, जिसके बाद तुम्हारे पास कुछ चांसेस नहीं होंगे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। ये मोटिवेशन नहीं है, ये मोटिवेशन नहीं है, रियलिटी आजकल जो चल रहा है, ठीक है? राम राम, जय हिंद।